क्या हो गया इधर? ऑटो का टायर निकल गया। सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं चैनल आपका अर्जुन और मैं हूँ आपका अर्जुन। अभी हम जा रहे हैं नोएडा, थोड़ा काम है पापा को, मतलब ड्रॉप करना है मेरे को नोएडा में, और एक बार मैं पापा को ड्रॉप कर दूँ उसके बाद आपसे बात करता हूँ। गाइस ये देखो, ये जो दो बंदे दिख रहे हैं ना आपको स्प्लेंडर पे जाते हुए यूपी नंबर के, इन्होंने ना अपनी बाइक में मिरर नहीं लगा रखे और ऐसे गलत गलत कट मार के गए हैं ना मेरे को दो बार कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑलवेज राइड सेफ, राइड रिस्पॉन्सिबली, और मिरर्स लगा के रखो अपने टू व्हीलर पे, क्योंकि मिरर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप ट्रैफिक या रोड पे चलते हो। अभी देखना कैसे चलाएंगे, देखो हल्का सा देखा, अब देखो जरी काट देगा। अभी तो फिर भी इसने बहुत तमीज़ में ये कट लिया है, अभी जब मेरे आगे था ये तो ऐसे कट लिया इसने दो की क्या बताऊँ, मतलब मैं भी 50 की स्पीड में चल रहा था एकदम ही ऐसे आ गया। तो यार मिरर लगा के चलो, और वैसे कहते हैं कि मिरर पे भी चलाना है, पर पता नहीं क्यों हमारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस उस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती। दिल्ली के लिए राइड जाए। सो गाइस पापा को छोड़ दिया मैंने और अभी हूँ मैं नोएडा में, मतलब दिल्ली से थोड़ा सा बाहर ही आया था। अगर अभी 10 किलोमीटर में और राइड चला गया तो फिर वो नोएडा आ जाएगा, और मेरी स्कूटी में पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, मतलब रिजर्व में 50 किलोमीटर चल गई, मतलब वैसे तो 60 तक चलती है, बट मैं थोड़ा स्ट्रेच करके ऐसे चला के लाया था ना भगा के, तो जहाँ तक है 55 में ही रुक जाएगी। तो अभी पहले पेट्रोल भरवाता हूँ मैं, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। सामने से आ रही है मर्सिडीज। यार ये डिवाइडर है ना, ये जो लाइन है डिवाइड करती है ना कि इधर के बंदे इधर से जाएंगे, उधर के बंदे इधर से, तो क्यों भाई बीच में आ रहे हो, आगे पीछे जा रहे हो? गाइस अभी बहुत तगड़ा इंसिडेंट होते होते बच गया, मतलब इंसिडेंट क्या एक्सीडेंट ही होता, मतलब जैसे ये डिवाइडर है इसके जो ये क्रेटा जा रही है ना इसके आगे एक बंदा खड़ा होगा और क्रेटा यहाँ से निकल गई, दो तीन ऑटो वाले यहाँ से निकल गए और मेरे को बंदा दिखा नहीं क्योंकि इन सब ने ना एकदम से कट मारा और वो बीच में खड़ा था और वो पागल मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, उधर की साइड देख रहा है वो वाली रोड क्रॉस करने के लिए, और मेरी थी 30-40 की स्पीड, मैं उसको हॉर्न मारूँ मेरे को लगा हॉर्न बैठ जाएगा सुनेगा देख लेगा, उसने देखा ही नहीं। एकदम जब उसके पास पहुँच गया ना मैं, दोनों ब्रेकें दबाई मैंने और एकदम उसका मतलब पैर के हल्की सी पास रुकी स्कूटी, उसके बाद भी उसने नहीं देखा, फिर जब आगे गया ना तब उसको रियलाइज हुआ यार कुछ हुआ, जैसे उसने देखा मैं ऐसे पूरी ब्रेक के मार के उसको ऐसे गुस्से में देख रहा, फिर मैंने कहा भाई देख तो ले, कहता सॉरी भाई सॉरी। यार तो मैं यही कहूँगा सड़क क्रॉस भी देख के करा करो, क्या ही बोलूँ यार, इंडिया है यार, इधर के ट्रैफिक रूल्स ऐसी हैं, लोग बिल्कुल भी देख के नहीं चलते। दो सौ का डाल देना अंकल, नॉर्मल पेट्रोल। कार तो नहीं है ना? नहीं नहीं कैश है। बनवा रखा सर, अभी बनवाया। ठीक है। ट्रिप बी को कर देते हैं जीरो। यार मेरे को पता नहीं क्यों एकदम से ऐसा लगा जैसे कि जो 150 या 160 क्रॉस करने के बाद जो इन पे रेट लिखे आते हैं जहाँ से पता चलता है कि इतने तक का पेट्रोल आ गया, जैसे वो 160 के बाद हुआ तो पेट्रोल का फ्लो ही ख़त्म हो गया, मतलब मैंने ना एकदम पीछे जहाँ पे पेट्रोल का टैंक है वहाँ पे हाथ रखा हुआ था, तो जीरो से 160 तक मेरे को फील हो रहा था कि पेट्रोल आ रहा है, 160 के बाद एकदम ही ना यार फील होना बंद हो गया, जैसे लग गया रुक गई वो चीज़, जैसे पेट्रोल का जो फ्लो होता है ना वो रुक गया, पता नहीं यार घपलेबाजी तो हर जगह ही चलती है, क्या पता मेरे को वहम हुआ, लेकिन मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे एकदम ही मैंने टैंक के इधर ऐसे हाथ रखा और उसमें ऐसा मेरे को लगा कि 160 के बाद पेट्रोल आ ही नहीं रहा,
पता नहीं। बाकी गाइस देख लो आज का मौसम भी कितना अच्छा हो रखा है, कोई कलर ग्रेड करने की वीडियो को जरूरत ही नहीं, खुद ही वाइब्रेंस कलर हो रखे हैं नेचर के, बढ़िया। अब फटाफट निकलते हैं यहाँ से। ओए यार गाइस मैं अपनी एक प्रॉब्लम बताऊं तुम्हें, रुको पहले वाइजर खोल लेता हूँ। यार मेरी एक प्रॉब्लम है कि जैसे मैं अपने हेलमेट का वाइजर नीचे कर देता हूँ ना, तो जैसे कोई विंड वगैरह नहीं आती, कुछ नहीं आता, तो मेरे को ना ऐसा फील होता है जैसे मैं अपना लैपटॉप पे बैठ के कोई गेम खेल रहा हूँ और कुछ टाइम बाद में वो नींद आने लग जाती है, और वाइजर खोल के चलाऊँगा जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ चला रहा हूँ, उसमें मज़ा आता है, उसमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसा फील होता रहता है ना कि हाँ जितनी स्पीड में मैं स्कूटी चला रहा हूँ विंड आ रही है, मतलब बॉडी पूरी एक्टिव रहती है, और वही अगर मैं वाइजर बंद कर देता हूँ तो मेरे को हालत से आता पता नहीं क्यों। सेम यही गाड़ी के साथ भी है, गाड़ी में अगर मैं सारे शीशे बंद करके चलाऊंगा तब ऐसे नींद आने लग जाती है, और पूरे शीशे खोल के चलाऊंगा तब फुल वाइब आती है कि हाँ मजा आ रहा है चलो। और ये देख लो गाइस नोएडा के फ्लाईओवर्स और भी बन रहे हैं, मतलब इतना मजा आता है ना स्कूटी चलाने में, एकदम स्मूथ रोड है यहाँ की, तो यार इधर तो अलग ही वाइब आती है स्कूटी चलाने में। तो गाइस चलो आज बात करते हैं कि बहुत लोगों का कंसर्न रहता है कि यार उनके स्कूटीज में माइलेज नहीं आ रहा, माइलेज बहुत कम आ रहा है, तो उसको कैसे चेक करें। देखो कभी भी अगर आप माइलेज चेक करते हो ना, तो अभी जैसे मैंने 200 रुपये का पेट्रोल भरवाया, वो तो मैंने इमरजेंसी में भरवाया था कि मैं बस यहाँ से घर पहुँच जाऊँ उस हिसाब से, लेकिन कभी भी आप पेट्रोल भरवाओ तो हमेशा फुल टैंक टू फुल टैंक भरवाओ। जैसे कि आपकी स्कूटी रिजर्व में है ना, तो ये मत सोचो कि 200 रुपये का पेट्रोल भरवाओगे, सीधा भरवाओ फुल टैंक, कि पेट्रोल वाले को बोलो कि भैया फुल कर दे, जब वो फुल कर देगा तो जैसे मैंने ट्रिप भी ज़ीरो करी ना, आपने भी ट्रिप भी ज़ीरो करनी है और उसके बाद स्कूटी चलानी है जब तक आपका नेक्स्ट फ्यूल अप का टाइम नहीं होता, मतलब जब फिर आपका फ्यूल अप का टाइम हो जाएगा फिर स्कूटी रिजर्व में आ जाएगी, तब फिर से पेट्रोल भरवा लेना, और उस पेट्रोल की ना रिसीट निकाल के उसमें आपने कितने लीटर पेट्रोल भरवाया है उसको, और ट्रिप बी का जो लास्ट, मतलब ट्रिप बी का लास्ट जो रिजर्व में जाने से पहले रीडिंग होगी ना, उससे डिवाइड कर देना, जो आंसर आपके पास आएगा वो आपका एवरेज होगा पर लीटर के हिसाब से। वैसे मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, स्कूटी BS6 वाली आपको ऐसे चलानी है जैसे मैं चला रहा हूँ इको मोड में, ऐसे खींच के नहीं चलानी, ऐसे खींच के चलाओगे तो ऑब्वियसली आपका माइलेज ड्रॉप होगा होगा, आराम से चलानी है, एयर प्रेशर का ध्यान रखना है और सर्विस करवा के रखनी है, मेरे को भी अपनी सर्विस करवानी है, 9000 किलोमीटर हो गए, फोर सर्विस का टाइम भी हो गया, वही है मैंने तुम्हारे सामने उस दिन दिखाने के लिए कि सर्विस रिमाइंडर कैसे हटाते हैं वो हटा दिया, उसके बाद मेरे खुद के दिमाग से उतर गई, बट फिर मैंने कल परसों वो अपनी वीडियो देखी कि अबे यार मैंने वो वाली वीडियो भी डाली है और सर्विस भी करवानी है, तो बस देखते हैं अगर कल टाइम मिलता है तो कल मैं सर्विस भी करवा लूँगा स्कूटी की। फ्यूल एम्प्टी, अभी तो 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया है, वही है गाइस ये डिजिटल है ना तो उसमें थोड़ी दिक्कत रहती है, डिजिटल स्पीडोमीटर में एकदम एक्यूरेट नहीं होता है। बाकी यार अगर फ्यूल एम्प्टी आ गया मतलब मेरा डाउट सही था, 160 के बाद इसमें पेट्रोल गया ही नहीं, इसका मतलब पता नहीं यार। देखो इसलिए कहता हूँ यही दिक्कत होगी, अगर आप 200 का पेट्रोल भरवाओगे 300 का पेट्रोल भरवाओगे, सबसे बढ़िया है कि फुल टैंक करवाओ, जब तक आपके टैंक के ऊपर तक पेट्रोल नहीं आता तब तक उसको बोलो कि भाई भरते रहे पेट्रोल, क्योंकि उसमें वो बिल्कुल भी घपला नहीं कर सकते। और अब मेरे को इतना बुरा लग रहा है ना, चलो वापस आ गया 7.3 किलोमीटर दो बार, तो यही है ये डिजिटल स्पीडोमीटर में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, वो तो आप यूज टू हो ही जाओगे जब आप स्कूटी ले लोगे वाली इसके स्पीडोमीटर से। बाकी जहाँ तक है कि मेरा डाउट सही है, 200 रुपये में उसने 160 का पेट्रोल भरा है, उसके बाद फ्लो आ नहीं रहा था, मैंने हाथ रखा हुआ था टैंक में तो मेरे को फील हो रहा था। बाकी माइलेज चेक कैसे करते हैं हमेशा मैंने आपको बताई दिया, फुल टैंक टू फुल टैंक, और ट्रिप भी ज़ीरो कर देना जब दूसरी बार रिजर्व में आने वाली हो आपकी स्कूटी, ओ जब फिर से आपकी स्कूटी रिजर्व में आने वाली हो ना ट्रिप पे, मतलब दिखा दे फ्यूल एम्प्टी, तो फिर से फुल टैंक करवा लेना, और उसकी रिसीट में जितने लीटर पेट्रोल आएगा उसको अपने ट्रिप बी की लास्ट रीडिंग से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आपका क्या कहते हैं एवरेज होगी पर लीटर की। बाकी गाइस यही था इस व्लॉग में, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो,
अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना और एक अच्छा सा कर देना कमेंट। और अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। महादेव महाकाल के सहारे होंगे सबके, बार न्यारे सान नहीं कर रहा कोई हम पे, जो कर रहा खुद कर रहा मैं अपने दम पे। आड़ा टेढ़ा में बलि नहीं दे रहा मुझे फंड, मुंह मत लग छूटे कर दूंगा झंड, ज्वाला हूँ मैं हूँ प्रचंड, नकली है तू फितरत पाखंड तेरी, ये फितरत पाखंड तेरी, ये फितरत पाखंड तेरी, हाँ फितरत पाखंड तेरी बेटा, हाँ फितरत पाखंड तेरी। इतनी ठंड में उत्तराखंड में पूरा बंड में।